बच्चों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। भौतिक प्रदेश को फिजिकल फीचर भी बोलते हैं। राजस्थान में कहाँ पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, मरुस्थल, जो भी आकृतियाँ हैं, जो भी फिजिकल जावच पाए जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को उच्चावचों के आधार पर बांटा गया है। और उच्चावच होते हैं तीन प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? फर्स्ट, तीन श्रेणियों में बांटा है। फर्स्ट श्रेणी में लेते हैं हम महाद्वीप महासागर को। उच्चावच में तीन प्रकार होते हैं। पहली श्रेणी में महाद्वीप महासागर, द्वितीय श्रेणी में पर्वत पठार मैदान, और तृतीय श्रेणी में दर्रे घाटियां और भ्रंश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम बीएस मिश्रा ने वर्गीकृत किया और सात भौतिक प्रदेश बताए। कौन कौन से बताए हैं वो देखते हैं। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, नहरी प्रदेश, अरावली, माही बेसिन, इसे छप्पन का मैदान भी बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी मैदान और उत्तरी पूर्वी पठार। ठीक है, इसके आगे लेते हैं हम कि एके सेन ने जलवायु के आधार पर राजस्थान के तीन भौतिक प्रदेश बताए हैं। पहला है मरु प्रदेश, दूसरा है बेरी प्रदेश, इसको अरावली प्रदेश भी कहते हैं, तीसरा है माल या मैदानी का मैदानी पठार का भाग। अब अगले जो भूगोलविद है, उन्होंने कहा है कि रामलोचन सिंह, इन्होंने राजस्थान को दो भाग व चार उपभाग किए। क्या किया है? राजस्थान को दो तो भागों में और चार उपभागों में डिवाइड किया है। तो भाग कौन कौन से किए? एक तो पूर्वी राजस्थान बना है, एक पश्चिमी राजस्थान बना है। अब इसके जो चार उपभाग किए हैं वो है पश्चिमी मरुस्थल, अरावली उच्च भूमि, गंगा की सहायक नदियों का मैदान और हाड़ौती का पठार। आगे चलते हैं हम के तिवारी ने राम लोचन सिंह को आधार रखते हुए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को चार भागों में बांटा है। कौन कौन से चार प्रदेश बताए? उत्तरी पश्चिमी मैदान, अरावली, उत्तरी पूर्वी मैदान और उत्तरी पूर्वी दक्षिण पूर्वी पठार। कौन कौन से चार भाग है? उत्तरी पश्चिमी मैदान, अरावली, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में हम देख रहे हैं, राजस्थान का नक्शा है ये। पश्चिम मरुस्थल लिखा है, पश्चिमी भाग की ओर देखते थे। उसके बाद एक रेड कलर से डॉटेड लाइन है, डैश में एक लाइन पर खींची हुई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है वर्षा रेखा। उसके बाद ब्लैक लाइन से खींची हुई है, उनके बीच में एक डैश से लाइन बनी हुई है रेड कलर की, वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये अरावली का क्षेत्र है और इससे पहले था पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्र। और इसके पूर्वी भाग की ओर जाते हैं तो उत्तर पूर्वी मैदान, और उसके बाद आता है दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक है, तो सबसे कम जनगणना तो कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में। और सर्वाधिक जनगणना तो पाया जाता है जयपुर में। ठीक है, राजस्थान का मैप ध्यान से देख लें। ठीक है, पश्चिम मरुस्थल, अरावली क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। आगे चलते हैं, क्षेत्र, क्षेत्रफल, जनसंख्या, अवशेष। तो पहला क्षेत्र है पश्चिम मरुस्थल, इसका क्षेत्रफल है 61%, और इसमें जनसंख्या पाई जाती है 40%। किसका अवशेष है? ये 33 सागर का। दूसरी जो हम लेते हैं वो है अरावली का क्षेत्र, और ये है इसका क्षेत्रफल है हमारे राजस्थान में 9%। जनसंख्या यहाँ पाई जाती है 10%, और ये अवशेष किसका है? गोंडवाना का। उसके बाद हम लेते हैं तीसरा, उत्तर पूर्वी मैदान, इसका क्षेत्रफल है 23%, जनसंख्या मिलती है 39%, और अवशेष है 33 सागर का। दक्षिण पूर्वी पठार, क्षेत्रफल है 7%, जनसंख्या 11%, और अवशेष है गोंडवाना। आगे देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ राजस्थान का मैप दिया गया है, ध्यान से देखते हैं।
25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा डिवाइड कर रही है शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, दो पार्ट हो रहे हैं इसके, ठीक है। इसके बीच में लाठी सीरीज बताया गया है। ऊपर उत्तर में जाते हैं घग्गर बेसिन क्षेत्र, उसके नीचे शेखावटी का क्षेत्र, और उसके बाद नागपुर उच्च भूमि, ठीक है। तो हम ये बता सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या का निवास है, विश्व की जैव विविधता पाई जाती है, रेगिस्तान का मार्च है, और 1+0 ही करके 12 जिले आते हैं। युवा मरुस्थल भी कहते हैं, चेरिस्तान भी बोलते हैं, और 61% क्षेत्रफल आता है। जनसंख्या मिलती है यहाँ 40%। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का, पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट का ये भाग है, ठीक है। और यहाँ पे सेवन घास भी पाई जाती है, ठीक है। मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, लूनी बेसिन का यहाँ पे नदियाँ निकलते हुए बताया गया है, वो द्वारपद अर्ध शुष्क मरुस्थल के वहां से, ठीक है। आगे चलते हैं। पश्चिमी मरुस्थल का फैलाव 61% क्षेत्र पर है। यह मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। इस मरुस्थल में निवास करने वाली जनसंख्या 40% है। यह मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकन डेजर्ट का पूर्वी भाग है। यह मरुस्थल सबसे युवा मरुस्थल है, और इस मरुस्थल को पाकिस्तान में चेलिस्तान कहा जाता है। विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला मरुस्थल है। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। विश्व का 17वां डेजर्ट है। उपोष्ण कटिबंध की दृष्टि से विश्व का 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करने वाला 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर समवर्षा रेखा है। पश्चिम मरुस्थल में 12 जिले आते हैं। 13वां जिला सिरोही बनने के कगार पर है। नोट, ईश्वर चंद्र वैज्ञानिक ने इस क्षेत्र को रुक्ष प्रदेश कहा। अगला नोट, चीनी यात्री हेन स्वांग ने इस प्रदेश को गुर्जरात्रा प्रदेश कहा। पश्चिमी मरुस्थल का सर्वाधिक आर्द्र जिला रानीवाड़ा जालोर है। पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख नदी लूणी है। पश्चिम मरुस्थल की सर्वाधिक सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा होती है। यहाँ का सर्वाधिक ताप है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। मरुस्थल से औसत ऊंचाई 150 मीटर है। यहाँ पर होने वाली वर्षा का औसत 25 से 30 सेंटीमीटर है। मरुस्थल को तीन भागों में बांटा गया है, ईग, रेग, हमादा। कौन सा? ईग, रेग, हमादा। राष्ट्रीय मरुद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर बाड़मेर में है। यहाँ पर सर्वाधिक रेतीली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु अत्यधिक शुष्क एवं विषम होती है। ओपेन के अनुसार इस क्षेत्र को BWHW नाम दिया गया। वर्षा की कमी के कारण अरावलिका वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, ठीक है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों को आकर्षित करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को आकर्षित करता है और भारतीय उपमहाद्वीप के ऋतु चक्र को नियंत्रित करता है। थार के मरुस्थल के कारण ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों का विस्तार होता है। विश्व में सर्वाधिक वनस्पति और पशु संपदा रखने वाला रिजर्ट है। यहाँ पर बोई जाने वाली फसलें बाजरा, मोठ, ग्वार है। पश्चिमी मरुस्थल में स्थित सम तहसील एकमात्र ऐसी तहसील है जहां पर वर्षा राजस्थान में सबसे कम होती है। तो ये पूछ ले जाए तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो है सम तहसील में।
ये वनस्पति रहित तहसील है। 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा मरुस्थल को दो भागों में बांट देती है, शुष्क मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल। कितने भागों में डिवाइड किया? दो भागों में, शुष्क मरुस्थल अर्धशुष्क मरुस्थल। तो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के पश्चिम में क्षेत्र स्थित क्षेत्र है कौन सा? शुष्क मरुस्थल का। ये दो भागों में विभाजित है जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं। शुष्क बालुका मुक्त, शुष्क बालुका युक्त और 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा डिवाइड है। तो भूमि का कटाव, अवक्षेप, निक्षेपण, भूमि का जमाव और जैसलमेर, बाड़मेर और अखामा दया पाए, इसके बारे में बता चुकी हूँ आपको। उसके बाद है अगला जो डिवाइडेशन है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा, उसमें क्या है कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा 10 से 20 मीटर का गतिशील है, बरखान विनाशकारी होता है और एक शेखावटी प्रदेश भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, आगे चले। बालुका युक्त मरुस्थलीय प्रदेश हमने देखा है दो भाग, बालुका युक्त और बालुका मुक्त। सबसे पहले पढ़ते हैं बालुका युक्त। हर प्रदेश जहाँ पर स्तूप और रेत टीले पाए जाते हैं बालुका युक्त प्रदेश कहलाते हैं। ये मृदा के अपक्ष व निक्षेपण से बनते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखो हमने लिखा है अपक्षय व निक्षेपण। ठीक है, आगे चलें। यह मार्च से जुलाई के मध्य अधिक बनते हैं। इस मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल भी कहा जाता है। यह क्षेत्र बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, उत्तरी नागौर में स्थित है। स्तूपों को टीले या टीबे भी कहा जाता है। साहित्यिक भाषा में स्तूपों को धोरे कहा जाता है और स्थानीय भाषा में कहते हैं धरियन। स्तूप दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य होते हैं वह बरखान स्तूप और अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। पढ़ते हैं हम अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप के बारे में। वह स्तूप जिनका निर्माण वायु की दिशा के समानांतर होता है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहलाते हैं। और वह स्तूप अनुप्रस्थ बालुका स्तूप उन्हें कहते हैं जिनका निर्माण वायु की दिशा के लंबवत होता है। जो समानांतर हुए तो वो तो अनुदैर्ध्य और जो लंबवत हुए वो अनुप्रस्थ। ठीक है, बरखान मरुस्थल के वास्तविक बालुका स्तूप होते हैं। यह अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। बरखान सर्वाधिक गतिशील नुकसानदायी होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है, जैसा कि हमने जब राजस्थान का मैप देखा था इसमें वहाँ बरखान के वहाँ पे लिखा था 10 से 20 मीटर, तो वो थी किसकी? बरखान की ऊंचाई। चौड़ाई थी 100 से 200 मीटर। ठीक है, चौड़ाई की थी 100 से 200 मीटर। शेखावाटी क्षेत्र में अधिकांश देखने को मिलते हैं और स्थानीय भाषा में इन्हें थली कहा जाता है। रेखीय बालुका स्तूप को पवनानुवर्ती बालुका स्तूप कहा जाता है। ये वर्ष भर एक ही दिशा की हवा के कारण बनते हैं। पैराबोलिक बालुका स्तूप वनस्पति और समतल मैदानी भाग के बीच निर्मित होते हैं। इनकी आकृति हेयरपिन जैसी होती है। तारा बालुका स्तूप, इनका विस्तार पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में देखने को मिलता है। नेटवर्क बालुका स्तूप हनुमानगढ़ से हिसान, भिवानी, हरियाणा तक इसका विस्तार है। बालुका स्तूप पर लहरदार छोटी आकृतियां और भी का कहलाती है। बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में डोल कहा जाता है। झाड़ियों के पीछे जब स्तूपों का निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? नेबखा। कहाँ पे? झाड़ियों के पीछे। अगला है जोधपुर, एक ऐसा जिला है जहाँ पर सभी प्रकार के स्तूपों का निर्माण होता है। बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? डोल। ठीक है, अब देखते हैं हम बालुका मुक्त प्रदेश। यहाँ पर रेत के टीले नहीं पाए जाते। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर का चट्टानी भाग आता है। यहाँ पर तेल और रासायनिक गैस के भंडार होते हैं। अब अनुदैर्ध्य कैसे होते हैं? इसमें आकृति में हम देख सकते हैं जो तीर बने हुए हैं वो हवा के, हवा जो रेत लेके आती है इसकी डायरेक्शन है।
अनुपस्थ में और अनुधेरे में अंतर आप साफ देख सकते हैं कि अनुधेरे में किस प्रकार का जमाव है, अनुपस्थ में किस प्रकार का जमाव है। एक होता है नेटवर्क, जिसमें क्या होता है कभी कठोर और कभी कोमल मृदा आ जाती है, तो वो सीढ़ियों जैसा बन जाता है, तो एक से एक जुड़ाव बना रहता है, तो उसे हम नेटवर्क कह देते हैं। ठीक है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली संरचना लाठी सीरीज। पाकिस्तान के सहारे जैसलमेर के प्रोकण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। यह 80 मीटर लंबी 60 मीटर चौड़ी पृथ्वी के अंदर बहती हुई जलधारा प्राप्त हुई है, जिसे भूगर्भिक जल पट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। कहाँ की बात हो रही है? पाकिस्तान के सहारे जैसलमेर पोकरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। 80 से 60 मीटर चौड़ी पृथ्वी के अंदर बहती हुई जलधारा प्राप्त हुई है, जिसे भूगर्भिक पट्टी या लाठी सीरीज कहा जाता है। अवसादी चट्टानों के कारण इसे खनिज पट्टी नाम दिया गया है। दामण, यह एक प्रकार की घास है जिसका प्रयोग आदिवासी लोग खून रोकने में करते हैं। सेवण, यह एक प्रकार की घास है जिस पर गोडावण पक्षी अपने अंडे देता है, ये गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली भी कहलाती है। चांदन नलकूप, ये जैसलमेर में स्थित है, ये थार का घड़ा कहलाता है और इसका वास्तविक नाम चौहान है। इंसेलबर्ग, रेगिस्तान में ढालनुमा सीधी चट्टानों की आकृति इंसेलबर्ग कहलाती है, ये चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। ये जो आकृतियों को नाम में हम बोल रहे हैं, इनको हमने फिजिकल ज्योग्राफी में आपको काफी डिटेल से चित्र से समझाया हुआ है। बजादा, मरुस्थलीय पर्वतों से ऊपर से जल का नीचे की ओर आना व जल का समाप्त हो जाना बजादा कहलाता है। नेहड़, यह जल का एक समुद्री रूप है। प्राचीन समय में बाड़मेर व जालौर में समुद्र रहा होगा, जिसे नेहड़ कहा जाता है। पीवना, पश्चिम मरुस्थल में पाया जाने वाला सर्प है। जल संरक्षण, आगोर, पश्चिम राजस्थान के घरों में जो टाके होते हैं उन्हें आगोर कहते हैं। रण या टाट, वायु अपरदन पानी, आगोर। मरुस्थलीय प्रदेशों में घरों में उपयोग लेने के लिए जल के टाके बनाए जाते हैं, इन्हीं से जल एक जगह एकत्रित होता है, इन्हें कहते हैं आगोर। प्लाया, वायु के प्रक्षेप अपरदन के दौरान बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण हो जाता है और उन्हीं में जल भर जाता है ना। अपक्षय अपरदन यानी कि वायु से जो मिट्टी उड़कर जाती है और कहीं जाकर जम जाती है, उससे उस क्रिया से क्या होता है, उड़ने की क्रिया से कहीं ने कहीं क्या होता है, बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण हो जाता है और उन गड्ढों में जल भर जाता है, जो लवणता के कारण खारा हो जाता है और ये एक झील के आकार में होने के कारण प्लाया झील कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है टाटरन, रेगिस्तान में बालू का स्तूप पर बने हुए छोटे छोटे गड्ढे जिसमें जल भर जाता है, टाट या रन कहलाते हैं। उसके बाद हम एक मैप देखते हैं जिसमें गग्गर का मैदान दर्शाया हुआ है रेड कलर से। इसमें क्या है कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में ये है, यहाँ पर गग्गर नदी भी पाई गई है और इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पर है। इसके बाद शेखावटी प्रदेश दर्शाया गया है। चूरू सीकर झुंझुनू उत्तरी नागौर में है। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा डिवाइडेड है। नागौर उच्च भूमि है, लूनी बेसिन है, अजमेर है, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर। ठीक है। मैप को आप एक बार फिर से देख लें। गग्गर का मैदान, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर गग्गर नदी भी है, IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। शेखावटी प्रदेश देखते हैं, चूरू सीकर झुंझुनू उत्तरी नागौर, 50 सेंटीमीटर सम वर्षा द्वारा राजस्थान में डिवाइडेशन हो रहा है। नागौर उच्च भूमि दर्शाई गई है, लूनी बेसिन, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर की तरफ से। इसका अगला भाग फिर लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।